घुटने के अंदर ग्रीस खत्म हो जाना, घुटने के जोड़ में दर्द हो जाना और घुटने का जोड़ सूजकर हड्डियों का घिस जाना, कार्टिलेज खत्म हो जाना। और इसको माना जाता है कि ये ओल्ड एज की बीमारी है, बढ़ती उम्र के साथ घुटने का दर्द आ ही जाता है और डॉक्टर आपको बहुत सारी दवाइयां लिख देते हैं। पर हम बिना दवाइयों के एक ऐसी नेचुरल घरेलू दवा तैयार करेंगे, ऐसा घरेलू उपाय तैयार करेंगे जिससे आपकी घुटनों के अंदर दोबारा से ग्रीस बननी शुरू हो जाएगी, आपकी जो सूजन थी वो ठीक होने लग जाएगी, जो बढ़ती उम्र के बिना भी छोटे बच्चों में भी घुटनों से जो आवाज कटकट की आने लग जाती है और सुबह उठते ही आपसे घुटना खुल ही नहीं पाता, चल ही नहीं पाते, आप मॉर्निंग स्टिफनेस है। इसके बिना और भी बहुत सारी बीमारियों में ये जो घरेलू नुस्खा आप बनाने जाएंगे, इसके लिए आपको कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर पे ही ये सामान अवेलेबल है, कहीं बाहर से कुछ नहीं खरीदना और दो मिनट के अंदर आप ये घरेलू नुस्खा घर पे बना लेंगे। और जो लंबे समय से आप घुटने के दर्द के लिए दवाइयां खा रहे थे और डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि सर्जरी ही करवानी पड़ेगी, आप इस घरेलू उपाय से बिल्कुल आसानी से ठीक कर पाएंगे। तो ये रेमेडी के बारे में हम सबसे पहले जानने से पहले बात करेंगे कि घुटने की कौन सी बीमारियों में ये घरेलू उपाय आपने करना है और कैसे ये आपको फायदा करेगा, तो ये जरूर आपने देखना है। सबसे पहली जो बीमारी है घुटने से शुरू होती है वो है लुब्रिकेशन, जिसको बोल देते हैं डॉक्टर की आपकी तो ग्रीस ही खत्म हो गई है, अब ये बनेगी ही नहीं, आपका घुटना घुस गया है और इसका कोई इलाज नहीं है, अब तो सर्जरी ही करानी पड़ेगी, तो इसमें आपको फायदा मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ी जो घुटने की बीमारी है सुबह उठते ही दर्द होना और कार्टिलेज डैमेज होना, आपको बोल दिया था कार्टिलेज डैमेज हो गया, अब तो सर्जरी ही होगी, क्रैकलिंग साउंड है, आपने देखा होगा घुटने से कटकट की आवाज आने लग जाती है जिससे घुटना और भी ज्यादा सूज जाता है, घुटने के पीछे वाले हिस्से में नसें बन जाती हैं, वेरिकोज वेन हो जाती हैं और मॉर्निंग स्टिफनेस सबसे बड़ा कारण है कि जो सुबह उठते ही आपको घुटने से चला ही नहीं जाता, तो ये शुरुआती लक्षण आपका घुटना खराब होने का। जैसे जैसे आप देखते हैं दिन आगे बढ़ता है, दिन में गर्मी होती है तो आपका घुटना फिर से चलने लग जाता है, तो ये लक्षण आने लग गया तो इसका मतलब आने वाले समय में आपके घुटने खराब होते जा रहे हैं। तो आर्थराइटिस जो हमने बात की है, ये नुस्खा अकेला आपके घुटने के अंदर ग्रीस नहीं बनाएगा, आपकी ग्रीस को ठीक करेगा, आपके जोड़ों को तंदुरुस्त करेगा, घुटने के अंदर कार्टिलेज डैमेज को रोकेगा, साथ ही साथ दूसरे जोड़ों के दर्द में भी जो वात पित्त कफ रोग आपके अंदर गड़बड़ हो गए थे, आपको डायबिटीज हो गई थी, आर्थराइटिस जैसी दिक्कतों में भी ये आपको फायदा करेगा। तो घुटने खराब होने के कुछ कारण भी है जो आपके अंदर ज्यादातर देखने को मिलते हैं, जैसे कि थायराइड वालों के घुटने बहुत जल्दी खराब होते हैं क्योंकि थायराइड से कैल्शियम डिस्टर्ब हो जाता है जिससे ज्वाइंट है घिसने लग जाता है। डायबिटीज वालों के घुटने बहुत जल्दी खराब होते हैं क्योंकि शुगर बढ़ने से नसों के अंदर कमजोरी, नसों के अंदर सुन्नापना आ जाता है। डेंगू वालों के घुटने खराब होने लग जाते हैं, डेंगू आपको 10 साल पहले हुआ था, आज भी आपके डेंगू के बाद घुटने खराब हो सकते हैं। तेज दवा आप खा रहे हैं ज्यादातर लोगों के साथ होता क्या है, गाँव दराज के इलाके में लोग रहते हैं, वो थोड़ी सी भी तकलीफ होती स्टीरॉइड से शुरू कर देते हैं खाना, तो उनके भी घुटने बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे हैं। दो बड़े कारण हैं जो हम डिस्कस करेंगे घुटने खराब होने के दोस्तों, जिनको ठीक करना बहुत जरूरी है, वो है घुटने के अंदर टॉक्सिन गंदगी जमा हो जाना, यूरिक एसिड जम जाना, जिससे आपकी जो घुटने की हड्डियां हैं वो घिसने लग जाती हैं, घिसने के बाद वहां पे लालीपन आने लग जाता है और वो दोनों हड्डियों के बीच में जो ग्रीस होती है वो खत्म होने लग जाती है और जो ज्वाइंट है वो सूजने लग जाता है। ये है गंदगी सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है इन्फेक्शन, आपने देखा होगा गंदगी ज्यादा बढ़ जाए, घुटना ज्यादा सूज जाए तो वहां से डॉक्टर हैं और देसी वैद्य भी वहां से एक पानी निकाल देते हैं जिससे आपके घुटने को आराम मिल जाता है। तो ये दोनों दिक्कतों का अगर आप ठीक कर लेते हैं तो आपका घुटना काफी हद तक पहले जैसा बन जाएगा। टॉक्सिन्स और इन्फेक्शन, इसी को ध्यान में रख के हमने ये दो रेमेडी अपने घर पे तैयार करनी है, बहुत ही बढ़िया है, जिससे आपकी घुटने के दर्द है सुबह चला नहीं जाता आपसे और जो ज्वाइंट पेन है और चाहे आपको थायराइड है, डायबिटीज है, किसी भी समस्या है, आपको ये दो नुस्खे आपको आराम करेंगे। सबसे पहला जो नुस्खा है वो है हनी, शहद। शहद के अंदर क्या होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, बहुत सारी रिसर्च आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
कि शहद है वो शरीर में किसी भी सूजन को खत्म कर सकता है। तो घुटने के अंदर बीमारी जो पैदा होती है वो सबसे पहले होती है सूजन से, तो शहद से आपकी सूजन खत्म होना शुरू हो जाएगी। और दूसरा है गार्लिक, गार्लिक के ऊपर भी, लहसुन के ऊपर बहुत सारी रिसर्च है, यूनाइटेड स्टेट नेशनल लेबोरेटरी ऑफ मेडिसिन के ऊपर भी रिसर्च है कि ये किसी भी सूजन को खत्म करने का दम रखता है और इसके जो गुण है एंटीबायोटिक जैसे है। तो गार्लिक है आपकी टॉक्सिन जो आपके घुटने में जो जमाव हो गया था गंदे पदार्थों का, विषैले पदार्थों का, उनको ये दूर करके घुटना आपका आसानी से चलने लगा देता है। और ये तैयार कैसे करना है ये भी सबसे पहले जान लें। आपको शुद्ध शहद चाहिए 100 ग्राम और लगभग उसके अंदर 20 से 30 कलियां जो लहसुन की छील कर है वो इसके अंदर रख दें। इसको फिर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे बाहर किसी भी जगह अपनी रसोई में रख दें अकेला 7 से 10 दिन के लिए। शहद के अंदर इसको मिक्स कर लेना है, कलियों को आपने तोड़ना नहीं है, पीसना नहीं है, साबुत कलियां इसके अंदर डाल दें। 7 से 10 दिन के अंदर ये लहसुन फर्मेंट हो जाएगा जो रिसर्च में भी पब्लिश है। फिर ये इसका गुण है वो इंग्लिश दवाइयों से भी बढ़िया नेचुरली तौर पर बिना साइड इफेक्ट के शुरू हो जाएगा, बन जाएंगे इसके अंदर वो गुण जो आपके घुटने को आराम देते हुए। तो 7 से 10 दिन बाद आपने एक लहसुन की कली, इस लहसुन का जो हमने रेमेडी तैयार की है, इसमें से निकाल लेनी है और गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार लेनी है। एक बार कब? सुबह उठते ही खाली पेट, एम्प्टी स्टमक। दूसरा दिन के 4 बजे गुनगुने पानी के साथ, 1 कप के साथ। आप पाएंगे इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो आपकी जो घुटनों के अंदर इंफेक्शन बन गई थी जिसकी वजह से घुटना जम गया था, वहां पे लॉक हो गया था, टांगे आपकी खुलनी बंद हो गई थी, डॉक्टर ने बोल दिया था कि घुटना आपका फिक्स हो गया, अब ये नहीं हिलेगा, नया डलवाना पड़ेगा। तो एंटीऑक्सीडेंट है वहां पे इन्फेक्शन को मार देंगे, जो ग्रीस है दोबारा से बनने लग जाएगी, जो सुबह उठते ही आपके घुटने के अंदर क्रैम्प्स पड़ जाते हैं वहीं पे फिक्स हो जाता है, टांग नहीं खुलती है आपकी, दर्द होता है वो ठीक हो जाएगा। गंदगी निकलकर, ये नुस्खा आपके लीवर से भी गंदगी निकालेगा, आपकी शुगर को भी ठीक करेगा, नसों की कमजोरी को भी ठीक करेगा और घुटने के अंदर जो गंदगी जमा होगी थी उसको भी ये निकालकर पेशाब के थ्रू, मल के थ्रू बाहर कर देगा। आपको पहले ही दिन से 1-2 दिन में ही आपको दर्द में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो नुस्खा है वो है अजवाइन। अजवाइन के अंदर ही बहुत सारी रिसर्च पब्लिश है, यूनाइटेड स्टेट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अंदर ही पब्लिश है और आयुर्वेदा के अंदर ही बहुत पहले से बताया कि ये एंटी स्पास्मोडिक है, कि कोई भी ऐसी बीमारी जो हड्डियों से शुरू होकर मांसपेशियों तक बढ़ जाती है, चाहे कैल्शियम की कमी के कारण जो घुटने के आसपास जो आपकी मांसपेशियां सूज जाती हैं, आप छूने से भी उनके अंदर दर्द होता है, तो उसको क्या करता है ये आराम करता है। तो अजवाइन के तेल की आप दिन में 2 बार मालिश करें सारे घुटने के आसपास, तो आप पाएंगे जो सुबह उठते ही घुटना आपका चलता ही नहीं था, खड़ा नहीं हो पाते थे आप, दर्द रहता था, स्टिफनेस थी, अकड़न थी, घुटना आपका अकड़न गया था, वो पूरी टांग आपको अकड़ी हुई महसूस होती थी, दर्द है वो पूरी टांग में जाता था आपका, और जो दर्द था आपका सारा दिन रात चलता ही रहता था घुटने के आसपास टांगों में, वो इस मालिश से आराम पाना आपको शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों नुस्खे हर कोई कर सकता है, चाहे आपका बीपी बढ़ता हो, चाहे आपकी शुगर बढ़ती हो, चाहे आपकी कोई भी दिक्कत, नसों में कमजोरी हो, थायराइड है, वो भी इसको कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया उन बीमारियों के अंदर ही आराम करेगा। जिनको डायबिटीज है वो क्या करें, 20 से 30 कलियां पानी के अंदर डालकर ही रख दें, 100 ml पानी ले लें उसके अंदर डालकर 7 से 10 दिन तक इसको फ्रिज में रख दें। वो लोग जिनको शुगर है तो वो उसके बाद ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे जैसे हमने बताया है, 1 कली सुबह खाली पेट, 1 कली 4 बजे, तो शुगर वाले ऐसे ही करेंगे, शायद को ना लें तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा गुणकारी है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये, और आपको 100% इससे बहुत बढ़िया और भी आराम मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसके बिना कुछ और ध्यान में रखने वाली आपकी बातें हैं, वो है लंबा समय। काफी समय क्या होता है, काफी सारे लोगों की धारणा है कि लंबा चलने से घुटनों को आराम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, घुटने से पहले ही इतना घिस रहे हैं, घिस घिस के वो और ज्यादा खराब हो जाएंगे। लंबी वॉकिंग, लंबा समय नहीं चलना है कभी भी, शॉर्ट वॉकिंग करें, ज्यादा लंबा समय लंबी सैर ना करें, साइकिलिंग वगैरह ना करें उन दिनों में, योगा करें, कपालभाति करें ताकि आपकी आंतें ठीक करना काम शुरू करें और आपके शरीर में गंदगी किसी भी हिस्से में ना जमा हो। और फर्मेंटेड फूड है, बाजार के बिस्कुट, भुजिया, ब्रेड, डबल रोटी जो पता ही नहीं आपको कितने दिन पुराने हैं,
रसगुल्ले, गुलाब जामुन, कहीं से भी कोई चीज जब तक आपको नहीं पता लगता है कि ये ताजी है या नहीं है तो ना खाएं। अगर ऐसा खाना खाएंगे तो आपके घुटने ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। और ब्लड टेस्ट कुछ जरूर करवा लें अपने, हमेशा याद रखें कि बीमारी का भी पता करना बहुत जरूरी है। कभी कभार क्या होता है, आपका विटामिन डी लो तो उसकी वजह से घुटने खराब हो सकते हैं, ESR बढ़ जाए, जैसे हमने बात की है इंफेक्शन, उसकी वजह से घुटने खराब हो सकते हैं, यूरिक एसिड आपका बढ़ जाए उसकी वजह से आपके घुटने खराब हो सकते हैं, CRP आपका बढ़ जाए उसकी वजह से आपके घुटने खराब हो सकते हैं, थायराइड डायबिटीज से आपके घुटने खराब हो सकते हैं। तो ये टेस्ट करवा लें ताकि आप जो बीमारी की वजह से आपके अंदर घुटने खराब हो रहे हैं उसकी ट्रीटमेंट करके आप पूरा ठीक हो सके। तो होप है आपको पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। ये सारी रिसर्च मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं गार्लिक के ऊपर, अजवाइन के ऊपर, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बिना दवा के आप घुटनों को ठीक कर सकते हैं। काफी सारे लोग इस रेमेडी से ठीक भी हुए हैं, चाहे उनकी उम्र 80 साल है तब भी उनके अंदर काफी सारी रिकवरी देखने को मिली है। 80 साल के लोग भी इस नुस्खे से बहुत ही जल्दी रिकवर हुए हैं। तो आप जरूर जमाइएगा और ध्यान से इस नुस्खे को करिएगा। इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट की, किसी के वाल्व खराब है, कैसे हम उनकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं हार्ट की, जिसका कोई भी इलाज कहीं पे भी नहीं माना जाता है, उसका आप होम्योपैथी और आयुर्वेदा से इलाज करवा सकते हैं। सारी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। थायराइड और डायबिटीज का परमानेंट आप इलाज कर सकते हैं, उम्र भर आपको दवा खाने की जरूरत नहीं है, ये भी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जानकारी अपने दोस्तों के साथ और लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए ताकि ये इंफॉर्मेशन सब तक फ्री में पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं कल फिर।